कृष्ण गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। एक बार बोली थी सबसे कि प्लीज कीप योर स्पीकर्स माइक म्यूटेड, क्योंकि क्या होता है बीच बीच में साउंड आ जाती है, लोग रामू शामू जरा चाय दे देना इंस्ट्रक्शंस की आवाज आने लगती है। इफ योर स्पीकर इज नॉट म्यूटेड, बी वेरी केयरफुल दैट योर स्पीकर इज म्यूटेड प्लीज। क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक तो एनर्जी डाइवर्ट हो जाती है। एनर्जी जब डाइवर्ट होती है तो आपको पता नहीं चलेगा, मुझे भी पता नहीं चलेगा, लेकिन वाइब्रेशंस जो एक टॉपिक पे चल रहा होता है उसमें एक एक ब्लैक स्पॉट आ जाता है, उसमें एक बाधा आ जाती है। फिर उसे एनर्जी को वापस ट्रैक पे लाने के लिए एनर्जी को बड़ा एफर्ट लगाना पड़ता है। इसी से डिस्टर्ब एनर्जी हो जाती है, क्योंकि हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, कोई भी डिस्टर्ब हो जाता है। अब हम तो उसमें उस फ्लो में रहते हैं, उस स्टिलनेस में रहते हैं, तो क्या पता, पता भी नहीं चले मुझे, लेकिन औरों को डिस्टर्बेंस हो जाती है। सो प्लीज कीप योर माइक म्यूटेड, और जब वो म्यूट में रहेगा, जब हम सपोज कुछ ऑडियंस पूछते हैं, जब क्वेश्चंस पूछते हैं, तो उस समय चैटिंग करो तो इट इज बेटर, पर अगर आप टाइप नहीं कर सको तो बी केयरफुल, आप उस समय म्यूट खोल दो, फिर वापस उसको म्यूट कर दो। बाय मिस्टेक क्या होता है कि हम लोग अनम्यूट नहीं करते, अनम्यूट करके फिर उसको वापस म्यूट नहीं कर पाते, भूल जाते हो, व्हाट एवर। तो जस्ट बी लिटिल अलर्ट हियर कि वी शुड नॉट डिस्टर्ब द वाइब्रेशंस ऑफ द होल दिस ब्यूटिफुल चैप्टर ऑफ आवर लाइफ। बाहर चाहे कितना ही अनब्यूटिफुल हो, कि हम लोग वर्चुअल लोगों को देख देख के बोर हो रहे हैं, अब हम लोग रेस्टलेस भी हो रहे हैं कि अब हमें रियल इंसान को देखना है, रियल के हाथ पकड़ने हैं, रियल को हग करना है, रियल को आंखों में देखना है, तो वो जब तक नहीं मिलेगा तब तक एवरीबॉडी इज गेटिंग लिटिल रेस्टलेस नाउ, बिकॉज इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, इट्स मोर देन 3 3 मंथ्स नाउ। ठीक है, तो अब देखें आज क्या गाइडलाइंस मिलती हैं, कैसे क्या होता है। दूसरी बात, जितने लोग हमारे गेस्ट हैं इसमें, वो लोग प्लीज अपना अपना नंबर जरा भेज दें ऑन द चैट, सो दैट हम आप लोगों के लिए एक अलग ग्रुप बनवा देते हैं, क्योंकि जितनी इंफॉर्मेशंस हम लोगों को हमारे ग्रुप्स पर तो मिल ही जाती है, बट आप लोगों को नहीं मिलती है, तो एक्स्ट्रा एफर्ट लगता है एक एक को भेजने के लिए, जिसमें समटाइम्स आई ऑल्सो फॉरगेट टू सेंड द इंफॉर्मेशन। सो प्लीज जो जो बाहर के हैं, जितने भी गेस्ट हैं हमारे, वो अपना अपना नाम और अपना अपना फोन नंबर जरा लिख लिख दे चैट में, सो दैट माय प्रिया कैन मेक अ ग्रुप ऑफ ऑल दी आउटसाइडर्स, नॉट आउटसाइडर्स, आई मीन देयर इज नोबडी हु इज इनसाइडर और एन आउटसाइडर, बट यस जो भी गेस्ट हैं जिनके नंबर्स हमारे पास हमारे संस्था में नहीं है,
उनको हम फिर एक अलग ग्रुप बना देंगे सो दैट एवरीबॉडी गेट्स द इंफॉर्मेशन. और इन फ्यूचर ऑल्सो हुएवर इज एडेड टू द गेस्ट लिस्ट दे विल बी एडेड इन दैट सेम ग्रुप. ठीक है ना. तो इसमें हम गीता के नाम से गीता 2020 ऐसे करके या फिर पृथ्वी गीता ऐसे करके एक वो ग्रुप बना देते हैं तो उसमें सब कोई आउटसाइडर्स लोगों को ऐड करते हैं. ठीक है. दैट वाज द इंफॉर्मेशन व्हिच आई वाज फीलिंग टुडे कि बिकॉज ये टाइम चेंज हुआ तो हाउ डू आई इन्फॉर्म यू ऑल यू नो. देन आई थॉट कि लेट मी जस्ट मेक अ ग्रुप ऑफ ऑल द गेस्ट्स हुएवर दे आर. ठीक है. ओके नाउ चलो कृष्ण पे चलते हैं. कृष्ण आगे कहते हैं बहुत सुंदर और आज पूरी एकाग्रता चाहिए हमको. चाय वाय सब 4 बजे के बाद पीते रहिएगा नो प्रॉब्लम. अभी थोड़ी सी गहराई की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग. सो पूरी एकाग्रता से सुनो समझो मनन करेंगे चिंतन करेंगे और समझेंगे इस बात को कि भगवान क्यों ऐसा कह रहे हैं. Why is he saying like this? और इसके पीछे लॉजिस्टिक्स क्या है. भगवान कहते हैं कि प्रकृति तो परमात्मा में है. ये शायद 7वें अध्याय का आई थिंक 10वां या 12वां श्लोक ऐसी कुछ. प्रकृति परमात्मा में है लेकिन परमात्मा प्रकृति में नहीं है. Did you get that? प्रकृति परमात्मा में है पर परमात्मा प्रकृति में नहीं है. इज इट पॉसिबल? यस. इट इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ अ पॉसिबिलिटी. इट इज अ क्वेश्चन ऑफ रियलिटी. यस. ये हमारी रियलिटी है क्योंकि प्रकृति किसी को नहीं छोड़ती है. How? Yes, we are coming to that. इसी को तो समझना है आज. इसी बात को समझना है. प्रकृति किसी को नहीं छोड़ती है चाहे वो बुद्ध हो चाहे वो कृष्ण हो चाहे वो जीसस हो चाहे वो अल्लाह हो चाहे वो गुरु नानक हो कोई भी हो उसे वही काम वही ग्रीड वही शांत अशांति वही सफरिंग वही पेन सबसे गुजरना पड़ता है. सब फीलिंग से उसे सब इमोशन से सब कर्म से सब कुछ से उसे गुजरना पड़ता है. तीनों गुणों में प्रकृति है. कौन से गुण? रजोगुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण. ये तीनों गुणों में प्रकृति है क्योंकि इन्हीं प्रकृति से हमें इन तीनों गुणों का आभास होता है. ठीक है. दिस इज वेरी सिंपल. अब इन तीनों गुणों से बनी प्रकृति मुझ में है. कृष्ण कहते हैं इन तीनों गुणों से बनी प्रकृति मुझ में है बट मैं इन गुणों में नहीं. नाउ द क्वेश्चन कम्स हाउ इज दिस. तो लहर तो सागर में होती है. लहर तो सागर में होती है. सब लहर मुझ में है बट मैं तो लहर में नहीं हूं. लहर की तो अपनी एक आइडेंटिटी है कि नहीं. लहर तो लहर है ना. लहर तो सागर नहीं है.
सागर बिना लहर के रह सकता है, बट लहर बिना सागर के नहीं रह सकती। करेक्ट। प्रकृति विराट है, असीम है, बट परमात्मा के सामने तो प्रकृति बहुत छोटी है, बहुत ज्यादा छोटी है। सब कुछ परमात्मा में ही घटित होता है। यू सी, एवरीथिंग इज कैरीड ऑन इन द होल, इन द होल, बट द होल इज नॉट देयर। अब टू प्रूव माय पॉइंट हियर, एवरीबडी हैज अ नोटबुक और अ पेन और समथिंग, पेपर एंड अ पेन। यस, सबके पास है एक पेपर पेन अपने पास? यस दीदी। यस, ओके ओके ओके। ड्रॉ अ स्मॉल सर्कल एंड देन अराउंड इट ड्रॉ अ बिगर सर्कल। एक छोटा सर्कल बनाइए, उसके चारों तरफ एक बड़ा सर्कल बनाइए। Done it? एक Yes. छोटा सर्कल, ओके, एक छोटा सर्कल, उसके चारों तरफ एक बड़ा सर्कल। Yes. दो सर्कल्स बन गए आपके, एक छोटा एक बड़ा, ठीक है। अब ये बताओ कि छोटा सर्कल तो बड़े में है, राइट? Yes. छोटा सर्कल तो बड़े में है, पर बड़ा सर्कल क्या छोटे में है? नहीं दीदी। नो 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 नो, छोटे के बाहर है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? बड़े में छोटा समा सकता है। इतना विराट है, पूरा ब्रह्मांड है, पूरा ब्रह्मांड है वो प्रकृति बहुत छोटी है, वो उसमें नहीं समा सकता, बट प्रकृति परमात्मा में है। क्या सुंदर बात भगवान कहते हैं कि सब कुछ मैं ही हूं, मेरे में ही घटित हो रहा है, बट मैं वो नहीं हूं। I am not that, but everything is happening inside me only. Means what? Means what? कि परमात्मा उससे अलग है. Is just a part of God. Yes, प्रकृति उसका part है. जैसे हम उसके अंश हैं. But हम वो नहीं हैं. हम वो कब होंगे? यही भगवान कहना चाह रहे हैं कि जब जब तुम अपने प्रकृति को भूल के और तुम मुझ में समर्पित हो जाओगे, जब तुम अपने को भूल के अपने मैं का त्याग करके, जब तुम मुझको समझ के और मुझ में लीन हो जाओगे, तब तुम समझ जाना और समझ जाओगे कि परमात्मा क्या है, परमात्मा कौन है, कैसा है, बिना कोई रूप के, बिना कोई रस गंध, कुछ भी नहीं है, पर सब कुछ है उसके। वो प्रकृति से अभिन्न है, पर भिन्न भी है साथ। वो प्रकृति अपना काम कर रही है, बस सूरज वही का वही है, प्रकृति है। सूरज नहीं हिलता, पर
हमें ये लगता है कि सूरज घूम रहा है, सूरज नहीं घूमता कहीं, और सूरज की ज्योति तो कभी खत्म ही नहीं होती, चाहे आप यहाँ अंधकार में रहो, तो ये मत सोचना कि सूरज की रोशनी खत्म हो गई। सूरज की रोशनी कभी खत्म हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो तो एक वैसे ही ज्योति की, ज्योति का प्रकाश है, नहीं क्या, ज्योति का एक बॉल है, प्रकाश की एक, का एक बॉल है, उसकी उसकी ज्योति कभी कैसे खत्म होगी। यहां अंधकार है तो क्या हुआ, कहीं तो रोशनी होगी, तभी तो हमारे यहाँ टाइम डिफरेंस होता है, क्योंकि टाइम कुछ है नहीं, टाइम इज लीनियर, जितना टाइम को स्ट्रेच करोगे उतना टाइम स्ट्रेच हो जाता है। तो परमात्मा कहते हैं कि जो परमात्मा में प्रवेश कर जाता है उसकी जरा सी अनुभूति भी हो जाती है, जरा भी अनुभूति हो जाती है, वो प्रकृति तो होगी लेकिन वो परमात्मा नहीं होगा, क्योंकि हम तो सिर्फ उसमें डूब सकते हैं, हम उसके ट्रांसेंड नहीं कर सकते, उसको उसके द्वार तक जाके हम सिर्फ उसमें उसका आभास ले सकते हैं, उसका एहसास ले सकते हैं, नथिंग बियॉन्ड, नथिंग बियॉन्ड। जब प्रकृति को हम साक्षी भाव में देखने लगते हैं तभी कहा ना कि साक्षी एंड शुक्रिया, ग्रैटिट्यूड, ये दो ही मास्टर की है हम लोगों के पास। जब प्रकृति साक्षी भाव में पहुंचने लगती है तब परमात्मा को जानने की क्रियाएं शुरू होती है। परमात्मा को जानना मतलब प्रकृति को साक्षी रखना, दिस इज द थंब लॉ, दिस इज द थंब लॉ, कि इसके बिना आप परमात्मा को नहीं जान पाओगे। अब इसकी अगर थोड़ी सी और चर्चा करें कि ये कैसे पॉसिबल है कि परमात्मा प्रकृति में नहीं है पर प्रकृति परमात्मा में है। हम परमात्मा में हैं बट हम तो परमात्मा नहीं बन गए ना, अभी माया के लपेट में, प्रकृति के लपेट में अभी तो हम बैठे हैं, तो अभी तो हम परमात्मा का शब्द खाली सुनते हैं बस, पर परमात्मा है क्या, कौन, कैसा, वी डोंट नो, वी ओनली हर्ड। तो प्रकृति में है, प्रकृति में परमात्मा है, परमात्मा प्रकृति नहीं है। बड़े से कोई छोटा नहीं होता, छोटे से बड़ा होना बहुत ईजी है। समझ में आ रहा है सबको?
छोटा बड़े में होता है, बड़ा छोटे में नहीं होता। वो तो पूरा का पूरा होल है, तो उस में जो भी घटित हो रहा है वो उसमें ही हो रहा है। बट वो नहीं है, जो घटित हो रहा है वो परमात्मा नहीं है। क्योंकि अगर वो परमात्मा हो जाए, ऑडियंस क्वेश्चन आपके लिए, अगर वो परमात्मा हो जाए तो फिर कर्म की पहचान कहाँ है? फिर क्रियाओं की पहचान किधर है? इंद्रियों की पहचान किधर है? फिर ये दुख सुख ये सब की पहचान कहाँ है? Where is it? और क्लियर हो जाएगा इसी क्वेश्चन और आंसर से। चैट करो, पर स्ट्रेट हैं। नो, आई डिडंट आस्क दैट। आई एम आस्किंग, व्हाट डिड आई आस्क, आई फॉरगेट, कि अगर प्रकृति में परमात्मा में सब कुछ घटित हो रहा है, ठीक है, दिस इज क्लियर। नाउ इसी प्रकृति में अगर परमात्मा भी घटित हो रहा है तो फिर कर्म की पहचान, इंद्रियों की पहचान, क्रियाओं की पहचान, गुणों की पहचान, ये सब की पहचान कैसे जस्टिफाई होगी? हाउ? हाउ इज दिस जस्टिफाइड? तभी तो परमात्मा प्रकृति में नहीं है, प्रकृति भगवान में है। अगर होते तो ओके। हाँ, पास्ट कर्म, इसीलिए परमात्मा ने जब सब कुछ होल है तो जो भी कुछ हो रहा है इट इज हैपनिंग इन दैट होल ओनली। Because there is nothing outside the whole. Because then if it is something outside the whole, then the whole is not whole. Whole has to be the complete circle where everything is happening. ठीक है? Clear? Now, जो कुछ हो रहा है उस छोटे सर्कल में, जो छोटा सर्कल प्रकृति है सपोज, वो परमात्मा से अलग है। सब कुछ घटित हो रहा है इसी होल में, बट वो जो घटित हो रहा है वो परमात्मा में नहीं हो रहा। क्योंकि अगर वो परमात्मा में हो रहा है तो फिर अच्छे कर्म, बुरे कर्म, सुख है, दुख है, ये अर्थक्वेक और वो टोर्नेडो, वो सफरिंग और वो दुख कैसे हो सकता है? फिर तो सब कुछ डिवाइन होना चाहिए ना। फिर एवरीथिंग शुड बी डिवाइन, बिकॉज सब सब सभी कुछ परमात्मा का है, परमात्मा में है, तो फिर तो नथिंग कैन बी रॉन्ग, नथिंग कैन बी सफरिंग, एवरीथिंग शुड बी देन डिवाइन। यस, फ्रॉम वेयर इज दिस फ्री विल कमिंग? So when everything, suppose everything was divine, again, catching you, if everything was divine, then what will we quest for? What will we look for? And what will we
crave for, because then the divine also cannot know that I am divine, because there is no opposite force. Are you getting that? कि फिर तो अगर सब कुछ डिवाइन होता, सब कुछ परमात्मा, प्रकृति सब कुछ परमात्मा में ही होता, अगर प्रकृति भी परमात्मा भी प्रकृति में होता, तो फिर तो सब कुछ डिवाइन होता। जब सब कुछ डिवाइन है होता, तो फिर कैसे मालूम पड़ता कि कौन डिवाइन है और कौन अनडिवाइन है? यस, the divine would not even know that I am divine. So this is the conclusion here, that Paramatma Prakriti se alag hai, lekin sab kuch usi hole mein chal raha hai. Please understand this concept. Then, आपको आगे आगे बातें जब आएंगी तो आपको और समझ में आएगा. इसमें कहीं भी 1% का भी फ्लॉ नहीं है. तब आगे भगवान कहते हैं रूल्स, ये प्रकृति अपने रूल्स पे चलती है. ठीक है, सन वैसे ही उगता है, सदियों से वैसे ही उग रहा है, धरती वैसे ही घूम रही है, सब अपने अपने सिस्टम पे चल रहा है, सब कुछ अपने अपने नीतियों पे चल रहा है. तो नीति और धर्म, ये दो एंगल्स है. नीति एंड धर्म, पर नीति और धर्म में डिफरेंस बहुत है. There's a big difference between the two. धर्म है, धर्म कहता है कि धर्म ऑफ कोर्स बहुत धार्मिक है, तो धर्म कहता है प्रभु को ढूंढो, परमात्मा को ढूंढो. और नीति क्या कहती है? आचरण बदलो, कर्म को बदलो, शिफ्ट, मेक अ शिफ्ट. बट परमात्मा की तरफ अगर नजर उठ गई आपकी, तो आपको एफर्ट ज्यादा नहीं करना होगा. दिस इज व्हाई वी आर स्टडिंग दिस. तो कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम एक बार अपनी नजर मेरी तरफ कर लो, फिर तुम्हें खड़े होने में समय नहीं लगेगा. वंस यू स्टार्ट लुकिंग एट मी, बिलीविंग इन मी, सरेंडरिंग टू मी, देन यू विल नॉट टेक मच टाइम टू स्टैंड अप एंड फाइट. पर अभी भी अर्जुन is not convinced. तभी तो उनको विश्व रूप दिखाने पड़ता है ना, क्योंकि अर्जुन ये ना seeing is believing. जब तक वो देखता नहीं है, वो बातों में कन्विंस नहीं हो रहा, चाहे वो कृष्ण ही बोल रहा हो, कृष्ण ही बोल रहा. तो प्रकृति अपना काम करती है, परमात्मा साक्षी है बस. इसीलिए अगर हम भी साक्षी बनते हैं तो हम परमात्मा से जुड़ने लगते हैं. सिंपल, वेरी सिंपल. जैसे जैसे साक्षी बनेंगे, वैसे वैसे प्रकृति से दूर होते चलेंगे और परमात्मा में घुसते चलेंगे, क्योंकि वो आप साक्षी है. उसकी आंखें नहीं है, कुछ भी नहीं है, नो फॉर्म, बट ही जस्ट अ प्लेन ऑब्जर्वर. तो हर पूरी प्रकृति एक सिस्टम पे चल रही है. जो जन्म लेगा वो मरेगा, सबसे सबसे बड़ी कहानी, सबसे बड़ा सत्य.
तो एक बार एक बुद्ध के पास एक बच्चा एक और औरत आई और वो उसका बच्चा मर गया। अब बड़ी रोती बिलखती आई और बोली बुद्ध को कि आप तो भगवान हो, मेरे बच्चे को जिंदा करो, मैं इसके बिना नहीं जी सकती। तो बुद्ध चकराए कि ये कैसे करूं मैं। सोचो तुम, बुद्ध भी कुछ नहीं कर सकते प्रकृति के सामने, एंड ही कैन नॉट इंटरफेयर विद द ह्यूमन ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ। नो डिवाइन कैन इंटरवीन इंटरफेयर विथ योर ब्लूप्रिंट। ही कैन ओनली ब्लेस यू, ही कैन ओनली गाइड यू, बट ही कैन नॉट चेंज योर ब्लूप्रिंट, ही इज नॉट अलाउड टू, बिकॉज फिर तो किसी की लाइफ में सफरिंग हुई ना, किसी की लाइफ में दुख हुई ना, बट दिस इज नॉट पॉसिबल। सो बुद्ध चक्राए तो उससे बोला गया कि अच्छा ठीक है, तुम एक काम करता हूँ, एक काम करो तुम कि तुम शाम तक, I'm sure you must have heard this story, it's a very famous story, that तुम शाम तक सरसों होता ना सरसों, mustard seeds, बोले वो तुम उस घर से लेके आओ जिस घर में कोई मरा ना हो। तो बोली हाँ मैं ले आऊंगी। तो सारे पूरे दिन घर 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 ढूंढ ढूंढ के हर घर में जाती और पूछती तुम लोग क्या कोई मरा है, सब बोलते हाँ मरा है भाई। तो ऐसे करके पूरे पूरा गांव छान मारा, कहीं से उसे सरसों नहीं मिली क्योंकि सब घर में कोई ना कोई मरा है। तब वो आके समझ गई कि जीवन का सत्य क्या है, प्रकृति का नियम है ये, तो जो नियम है जो नीति है वो चलेगी ही चलेगी, चाहे वो सात्विक हो चाहे राजसिक हो चाहे तामसिक हो, वो तीनों गुणों के अधीन है, वो चलेगी ही वैसे ही चलेगी वैसे ही चलेगी। तो आगे बुद्ध से बुद्ध को पैर गिर पड़ी कि मैंने ये सत्य अब जान लिया, मुझे माफ करिए, मुझे मेरा बच्चा नहीं चाहिए, उसकी गति ऐसी ही थी, मेरी गति ऐसी ही है, तो मैं अब संन्यास लेने को तैयार। और उन्होंने दीक्षा ले ली बुद्ध से। तो जब हम लोग नीति के हिसाब से, जब हम लोग प्रकृति के हिसाब से जब चलते हैं, अलाइन होके साक्षी भाव से, ग्रैटिट्यूड से, देखो साक्षी भाव ग्रैटिट्यूड ये दो हाथ, ये दो नीति, ये दो प्रिंसिपल, ये दो रूल्स, इसको लेते हुए हम अगर परमात्मा के विराट रूप को चाहते हैं, उस विराटता, उस एक्सपेंसिवनेस ऑफ द कॉस्मोस, ऑफ द कॉस्मिक एनर्जी से अगर हम लोग अलाइन होना चाहते हैं, और अगर अलाइन हो गए, अच्छा हम लोग से कितने जन बेईमानी नहीं करे आज तक, बेईमानी नहीं करे आज तक, सच सच बोलो, बेईमानी चोरी आज तक नहीं करे, चाहे बचपन में चाहे अभी, व्हाटएवर, ऑडियंस बताओ, बेईमानी नहीं करी, कभी चोरी नहीं करी, जानते हुए नहीं करी, ओके, अनजान में करी, चलो कोई नहीं। और
और बताएं जल्दी, नो चोरी बट बेईमानी करी, नेवर, नो चोरी, नेवर, नेवर, डोंट थिंक एवर हैव डन इट, ओके, नेवर। जैसे 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 परमात्मा की तरफ पैर बढ़ेंगे, वैसे वैसे आप खुद आपके अंतःकरण में, आपकी आत्मा में, आपके चेतना में, आपके कॉन्शियसनेस में ये आभास, नॉट आभास, ये क्रोध, चोरी, बेईमानी, ये सब आपके लिए करना असंभव हो जाएगा, क्योंकि वो जो एनर्जी आप अपने अंदर क्रिएट करोगे ना, जैसे जैसे प्रकृति से दूर हो जाओगे या प्रकृति से अलाइन हो जाओगे, तो क्या होगा, आपके अंदर की जो एक शिफ्ट आएगी, उसमें धीरे धीरे आप परमात्मा की तरफ जो बढ़ने लगोगे, तो अंदर से एक प्रेम के फूल खिलेंगे, एक स्वच्छता के फूल खिलेंगे, एक सौंदर्य के फूल खिलेंगे, एक अंदर से एक शांति के फूल खिलेंगे। तो जब ये सब फूल खिलेंगे, तब उस जो विराटता से आप जुड़ने लगोगे, तब कहां क्रोध और कहां बेईमानी और कहां चोरी, ये सब करने का आपको पास साहस भी नहीं होगा, नहीं कर पाओगे आप, कोई भी, यहां आपकी और मेरी बात नहीं है, पर्सनल बात नहीं है, जनरल बात है कि कोई भी जो भी उस से जुड़ते चलता है, ये सब करना चाहे अनजाने में हो चाहे जान के हो, असंभव होता है, असंभव, क्योंकि परमात्मा रीचेबल है, एक्सेसिबल है, बहुत सरल है, उस सरलता से आप उसे पा सकते हो, उसमें डूब सकते हो। लेकिन वो कहता है क्या, वो कहता है मैं प्रकृति में नहीं मिलूंगा तुमको, प्रकृति से ऊपर आओ, प्रकृति से ट्रांसेंड करो, प्रकृति को साक्षी भाव से देखते रहो और मेरे पास आओ, ऐसा बोलता है। बोलता है मत उलझो प्रकृति में, क्योंकि इट इज जस्ट एन इल्यूजन, आई एम द रियलिटी नॉट द प्रकृति। जो दिखता है वो नहीं है सत्य, इस सत्य, इस असत्य से ऊपर उठो। 18 अध्याय, 700 श्लोक, दुनिया भर में जितनी किताबें हैं, जितना भी ग्रंथ है, जो भी कुछ है, इट इज ऑल द सोर्स इज द भगवत गीता। सारी किताबों में घूम फिर के आप इसी में ही आओगे,
आना ही होगा इसमें, क्योंकि यही गौमुख है गंगा का। तो वो कहता है कि प्रकृति में मत उलझो, प्रकृति को अपना काम करने दो, वो एक नीति पे चल रही है, उसे चलने दो, जो हो रहा है उसे होने दो, जो जो मुझे अदृश्य फॉर्म में देख लेगा। यू नो, स्वामी अखंडानंद जी हुआ करते थे, एक बहुत बहुत ज्यादा उच्च कोटि के संत थे। मैंने अपना बचपन बहुत गुजारा है उनके साथ, वृंदावन के थे, आज भी उनका आश्रम है वृंदावन में। उनको कृष्ण के साक्षात दर्शन हुए थे, साक्षात। एक बार वो साधना करके कहीं गए थे, जंगलों में गए होंगे या पहाड़ों पे गए। तो जब साधना करके जब अपने, दिस इज अ रियल स्टोरी, आई मीन नॉट अ रियल स्टोरी, इट्स अ रियल इंसिडेंट। और जब वो अपने घर आए, अपनी कुटिया में आए, तो जैसे ही उन्होंने कमरा खोला, अपना घर खोला, पूरा कमरा प्रकाश से भरती था। उन्होंने सिर्फ वो प्रकाश देखा, कोई फॉर्म नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ वो प्रकाश। यही है परमात्मा के दर्शन, आपको सिर्फ ज्योति ही दिखेगी, यही है परमात्मा। यही है जिसने पूरा का पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है, पर वो ब्रह्मांड में नहीं है। यही है सब कुछ। बढ़े चलो, एक साक्षी भाव और एक ग्रैटिट्यूड, ये दो नीति को अपना लो अपनी लाइफ में। हम सबको ये दो नीतियों को हम अपना लेंगे, बहुत कुछ मिल जाएगा, बहुत कुछ मिल जाएगा। और सबसे बड़ा क्या मिलेगा हमको, सबसे बड़ा क्या मिलेगा हमको, ऑडियंस बताइए, सबसे बड़ा क्या मिलेगा हमको जब ये दो नीतियां हम अपना लेंगे, दो रूल्स अपने लाइफ में अपना लेंगे, एक ग्रैटिट्यूड और एक साक्षी। पीस दीदी, क्या मिलेगा, पीस। आप अपने से खुद जुड़ जाओ, आप खुद को पालोगे, आप अपने आप को पालोगे, और जब अपने आप को पालोगे तो कुछ और पाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कुछ भी पाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यही ज्ञान है, इसी को ही ज्ञान कहते हैं। क्योंकि कृष्ण तो अर्जुन को पूर्णता से लेके आ रहे हैं। यस, वो कहते हैं पूर्णता से
तुम अपने आप को समझो। ठीक है, 4 बज रहे हैं, कल क्वेश्चन आंसर होंगे, फिर इसके बाद हम लोग आगे करेंगे। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।